मस्त होंगे तो आज की सेशन हम कर लेते हैं फटाफट से फटा शुरू राइट right? और आपको सबसे पहले आते ही जो मैं एक चीज बोलती हूँ गाइज मेक योर प्रैक्टिस परफेक्ट देन प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट कीप इट इन योर माइंड और आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ये भैया कि इन मोस्ट मैमल्स आर लोकेटेड इन फोर

कम पे यानी आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो स्पम्प आपका 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं बनेगा स्पंप की फॉर्मेशन होगी आपकी 3.4 से आपका 35 डिग्री सेल्सियस तक इसको ये दो से ढाई डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर देने के लिए सेक्रोटल सैक के अंदर ये बाहर होती है और आपके अगर स्पम्प की फॉर्मेशन होनी है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा स्पमेटोजैनसिस क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म की फॉर्मेशन की वजह से होता है नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द सेक्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड डैश बिलो बॉडी टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस फोर डिग्री सेल्सियस सिक्स डिग्री सेल्सियस एंड एट डिग्री सेल्सियस अभी अभी मैंने बताया है कि दो से लेके ढाई डिग्री सेल्सियस आपका कम से कम होना चाहिए बिलो द बॉडी टेम्परेचर तो आंसर विल बी टू डिग्री सेल्सियस नो डाउट टू डिग्री सेल्सियस ठीक है भाई आगे देखो द गिवन फिगर शो अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आइडेंटिफाई दार्ट लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी एंड द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे पार्ट गिवन है ए बी सी डी और हमको बताना है कि वो क्या है अब यहाँ पे देखो ए क्या है ए हमारा है यूरिटर ए हमारा क्या है भाई यूरिटर ठीक है अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बी बी हमारा क्या है बी हमारी है ग्लैंड और ये भी हमारी तीनों क्या है ग्लैंड ही है बी सी और डी ठीक है तो पहली बात तो ये कि हमारे पास है यहाँ पे यूरिटर और ये हमारा सी जो है एक बल्बो युथ्रल ग्लैंड है तो देख लो आपकी बल्बो युथ्रल कहाँ है ठीक है सॉरी 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 डी इज योर बल्बो इथ्रिल छोटा सा है ना ये छोटा सा पहले प्रोस्टेट आती है फिर सेमिनल वेसिकल आती है क्या पहले क्या आती है प्रोस्टेट आती है फिर हमारी आ जाती है सेमिनल वेसिकल अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहां पे आंसर क्या हो जाना चाहिए भैया आंसर क्या हो जाना चाहिए जल्दी बताओ यस yes. गुड तो हमारा हो गया भाई यहाँ पे कि बी हमारा सेमिनल वेसिकल है और डी सी हमारा क्या है प्रोस्टेट हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा यूरिटर सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट तो सी विल बी आर आंसर राइट आगे देखो आगे क्या है कि द गिवन डायग्राम रेफर टू टीएस ऑफ टेस्टिस शोइंग सेक्शनल व्यू ऑफ फ्यू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए टू डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए टू डी क्या है देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे डी है एंड डी आर आर सर्टोली सेल्स डी नहीं है यहाँ पे डी हमारा स्पमेटो तो हो जाना चाहिए यानी कि आपकी स्पम्स हो जाने के तरीके से तो डी हमारे क्या है स्पम है ठीक है और यहाँ पे सी हमको पता चल रहा है सी अपना लेडिंग है है ना बाहर है हमारे लेडिंग सेल्स तो यहाँ से देख लेंगे इसने बोला इंटरस्टेशल सेल ठीक है सी पे इंटरस्टेशल ठीक है सी पे सर्टोली गलत हो गया सी पे यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल ये भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा चलो ए हमारा कहा है ए ए इज सर्टोली सेल फॉर श्योर ए इज आर सर्टोली सेल तो ए सर्टोली कहाँ पहले है सबके अंदर ए पहले सर्टोली है चलो बी बी सेकेंडरी स्पोमेटोसाइट स्पोमेटोगोनिया है ये बी जो ये है ये स्पोमेटोगिया है ये मदर सेल्स है राइट ए सरटोली बी स्पोमेटोग सर्टोली स्पोमेटोगिया यस नॉट इंटरस्टिशियल सर्टोली स्पोमेटोगिया सी वाला हमारा इंटरस्टिशियल है और डी हमारा क्या हो जाएगा स्पम हो जाएगा डी हमारा क्या हो जाएगा स्पम हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी क्या हो जाएगा भैया आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट कोई बात नहीं हो जाएगा नो no वरीज आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ममालियन टेस्टिस ममालियन टेस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात सही है ठीक है ग्राफिक फॉलिकल स्टर्टोलिस सेल एंड लेडिंग सेल्स अब यहाँ पे अगर देखो तो ममालियन टेस्टीज की बात की गई है क्या आपके टेस्टीज के अंदर ग्राफिन फॉलिकल होता है फीमेल के अंदर होता है ये दोनों होते हैं तो आपका गलत हो गया आंसर विल बी सी हेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर सी हो जाएगा आगे देखो द न्यूट्रेटिव सेल फाउंड इन सेमिनि आर लीडिंग सेल आर्ट्रेटिक फॉलिकल सेल एंड क्रोमैफिन सेल तो हमको पता है सेमिनी फेरस के अंदर न्यूट्रेटिव सेल हमारे सर्टोली सेल होते हैं जो न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं दो तरीके के सेल होते हैं सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक होते हैं जर्म सेल और एक होते हैं आपके क्या न्यूट्रिशिव सेल हमारे जो ये हमारे हो गए लीडिंग सेल्स राइट right? सॉरी सर्टोली सेल सर्टोली सेल हो जाएगा भैया आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर्टोली सेल आगे देखो सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाई दिट्यूटरी हॉर्मोन एज एल एच एफ एच जी एच एन प्रोलेक्टीन अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एच का मतलब होता है गैस्ट्रीन और इसका मतलब होता है गैस्ट्रीन हार्मोन प्रोलेक्टीन इनसे तो होगा नहीं अब बात आती है सर्टोली सेल्स की अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को हम बोलते हैं एल एच और फॉलिकल स्टूमलेटिंग को बोलते हैं एफ एस एच तो हमारा सर्टोली सेल एफ एस एच से कंट्रोल होता है ठीक है चलो आगे देखो इफ फॉर नहीं 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 ल्यूटे से हो जाएगा आई एम सॉरी इट्स इट्स नॉट ल्यूटेनाइजिंग पॉलिकल से तो हमारा स्पमेटोगोनिया से स्पम बनता है आगे है इफ फॉर सम रीजन वाटर डेफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गॉट ब्लॉक्ड द गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम

नहीं, के अंदर आपका यूरिन होता है स्पम नहीं होता है बी सीक्रेट फ्लू दैट हेल्प इन लूब्रिकेशन ऑफ पीनस बल्बोथ ग्लैंड की यहां पे बात की गई है इसने सही स्टेटमेंट का है फिर कह रहे कि डी यानी कि ये हमारा टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है बट नॉट स्पम तो दैट इज इनकरेक्ट ट सी स्टोर सी स्टोर स्प और आपका सी यहाँ पे एपीडी डाइमस को बोला गया है यानी कि यह आपकी सही स्टेटमेंट है यानी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट ठीक है सेकेंड और फोर्थ तो आंसर विल बी सी सेकेंड और फोर्थ राइट आगे चलते हैं आगे देखो देड ऑफ एपीडी डाइमस एट द हेड ऑफ टेस्टीज इज कॉल्ड कॉडा एपिडी डाइमस वासा डिफरेंशिया कॉपुट एपिडी डाइमस यूबे मैक्यूलम चलो बताओ जल्दी से क्या कहेंगे हम इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताओ जल्दी से हेड ऑफ एपीडी डाइमस तो इसको हम बोलते हैं कैप्ट कैप्यूट एपीडी डाइमस तो आंसर विल बी सी आंसर विल बी सी इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे Caput right? आगे देखो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने अब कुछ लेबलिंग दे दी है जरा हम उसका देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज गिवन है कैरक इस एक तरफ लिखा है कैप्यूट एपीडी डाइमस दैट इज श्योर की हमारे यहाँ पे बात हो रही होगी एपिडी डाइमस के सिर की दैट इज ए ओके, okay. ओके okay, तो हम हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें गिवन है और यहाँ पे कुछ मेंशन है ए बी सी डी ई, एफ जी हमको ने, नेम करना है इनमें से तो पहले नंबर पे आ जाएगा ए ए इज फर्स्ट ए इज फर्स्ट तो पहले जो फर्स्ट नहीं है उनको हटा देते हैं यहाँ से ये दो आप ये फर्स्ट नहीं है तो इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे यहाँ पे भी फर्स्ट फैला नहीं है इसको भी हटा दें क्योंकि फर्स्ट इसका यहाँ पे आ रहा है राइट right? अब दो में देखते हैं। हमारा वासा डिफरेंशिया देखो चलो देखते हैं डी इज वासा डिफरेंशिया डी इज थर्ड डी इज थर्ड यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे डी पे थर्ड है डी पे थर्ड है ए पे ये है ए पे ये है ठीक है डिफरेंशिया फोर्थ एंड फोर्थ इज फोर्थ इज बी बी इज फोर्थ बी इज फिफ्थ इसमें करेक्ट गलत हो गया ठीक है हमारा क्या है फिर हमारा डी हो गया है ठीक है अब चलो इसको भी देख लेंगे ई हमारा क्या है यहां पर ई की बात करोगे तो होता तो इट इज सेकेंड इट इज सेकेंड कोडा एफ का फोर्थ एफ हमारा कहां है यहां है एफ यानी कि फोर्थ क्या है हमारा फेरस्ट्रीब्यूल दैट इज करेक्ट जी ए हमारा एट्थ है एथ हमारा है ट्यूनिका एलब्यूजीना हाँ दैट इज करेक्ट आउटर मेमोरी तो हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा सी वाला कौन से वाला C वाला ओ oh, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है भाई वो ये बतानी है क्योंकि वी ऑल नो कि टुडे इज आवर सेवेंटी फोर्थ ग्रैंड रिपब्लिक डे और आप सभी को इसकी बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और जो बच्चे आपके सेफ्टी के लिए अच्छा प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अपना महापैक एनरोल कर सकते हैं महापैक इज लाइक like सभी पैक्स का बाप अगर आप महापैक लेते हो तो उसके अंदर फायदे ये हो जाते हैं कि हमको ना एक अलग से पैक नहीं लेना पड़ता जैसे कि हमने आज महापैक खरीद लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कल दूसरा खरीदना पड़ेगा नहीं हम एक साल के लिए निश्चिंत हो जाते हैं एक साल के लिए हमको कुछ नहीं खरीदना एक ही पैक से एक ही वन बाय से आपका ई बुक टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट या रिविजन आपका लाइव क्लास सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है एक साल के लिए होता है ये तो यू कैन यूज कॉड वाई सिक्स नाइन सेवन एस भले ही आपको कोई कुछ बोले कि कौन सा कोड लगाना बट यू विल यूज ओनली वाई सिक्स नाइन सेवन एस कॉड एंड यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ और ये आपका सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है आज रात बारह बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा तो गाइज डू नॉट गेट टू ग्रैप दिस इट्स अ चांस राइट चलो

कि करेक्टली फिल अप चुमको चुनना है कि करेक्टली फिल किसका है एक हमारा स्पर्मेटोगोनिया है तो दूसरा हमारा फॉलिकुलर सेल है ये थोड़ा गलत हो जाएगा चलो फिर उसके बाद कह रहा है कि भैया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू द डैश थ्रू डैश अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू व्हाट वासा एफरेन्सिया थ्रू थ्रू रेटेट क्या यहाँ पे वासा डिफरेंशिया की या फिर अच्छा ये भी हो सकता है सैमनी फर्स्ट देख लेंगे आगे दास्ट एंड ऑफ पीनस कॉल्ड द ग्लांस पीनस क्या कहते हैं उसको हम ग्लांस पीनस कहते हैं क्या यहाँ पे सी में ग्लान्स पीनस लिखा है एंड कवर्ड बाय लूज फोल्ड कॉल्ड फोर स्किन यानी तीसरे वाला सही यहाँ लिखा है अब देख लेते हैं कि यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन गिवन है कि नहीं है ठीक है ये बी का इसने लिखा है कि बी के अंदर पहले वाफ्रेंशेडीज हाँ सही ये भी सही लिखा है इसने बी वाली स्टेटमेंट हमारी सही है बाकी सारी की सारी गलत लिखी हुई है ठीक है हमारे पास सबके दो के ही ऑप्शन है एक के अंदर आपका ए है और बी है एक के अंदर ए है सी है बी है सी है ए है बी है है ना तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है जो कि सही है ए ऑप्शन कहीं भी सही गिवन नहीं है आगे है सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट हैज नो एंजाइम ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम बट हैव नो कैल्शियम फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पोर इन कैल्शियम फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम बताओ जल्दी से सेमिनल प्लाज्मा सोच के देखो

टू एड स्प इंट्रेक्शन ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल प्रीप्यूचल ग्लैंड चलो अब यहां पर इसने सीधी सी बात बोल दी है कि फ्रक्टोज सिक्रीट किया जाएगा बताओ बताओ जल्दी से

सेमिनल अभी अभी हमने बोला के ऊपर होती है चलो आगे फंक्शन ऑफ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू इनहिबिट स्पर्म एक्टिविटी अट्रैक्ट स्पर्म स्टिम्युलेट स्पर्म एक्टिविटी नन ऑफ दिस तो हमको पता है ये आपका प्लाज्मा सिक्रीट करेगी जिससे स्पर्म की एक्टिविटी को स्टिम्युलेशन मिलेगा आगे देखो मैच ईच फंक्शन बिलो विद द एसोसिएटेड पार्ट हमारे पास यहां पे कुछ पार्ट दे दिए हैं और हमको कह दिया है कि हमको इनके बताने हैं फंक्शन पहला कह रहा है कि ए फर्स्ट प्रोड्यूस स्पम स्पम कौन प्रोड्यूस करता है दैट इज आर जी स्पम प्रोड्यूस करता है जी तो यहां पे कहीं जी है तो ये हटा दो पहले ओके सेकेंड कंडक्ट द स्पम थ्रू द पीनस टू द आउटसाइड बॉडी एंड दैट इज ई दैट इज ई राइट right, ई e पे सेकंड कहा है ई e पे अरे 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 अच्छा सेकंड यहां है सेकंड पे ई e यहां है तो हमारा यहां पे ये यह जाने वाला है तीसरे का ए न्यू no. ए सी डी बी अच्छा ये कुछ पे अजीब से तरीके से लिखा हुआ है मतलब तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू तो अंडरस्टैंड द थिंग कि में यहाँ पे हो क्या रहा है है ना ओके okay, तो मतलब फाइनली हमको यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है कि भैया हम्म बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो हमारा आंसर यहाँ पे ए निकल के आएगा हमको ज्यादा देखना ही नहीं है ठीक है चलिए आइडेंटिफाई द पास लेबल्ड एज ए टू एफ फ्रॉम द गि डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल प्रैक्टिस सिस्टम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अगर इतना हम कर लेते हैं ना तो बाई गॉड इतना करने के बाद कुछ नहीं बचना चाहिए नथिंग नथिंग शुड बी लेफ्ट नथिंग शुड बी लेफ्ट इतना करने के बाद सबसे पहले हमारा है ए ए कहा है ए इज हेयर और ए हमारा यूट्रस को लीड कर रहा है एंड दैट इज सर्विक्स या फिर वजाइना आप बोलोगे वजाइना uh, आप बोलोगे ना कि सर्विक्स ए सर्विक्स हो सकता है बी इज वजाइना बी इज वजाइना ए इज सर्विक्स ठीक है तो देख लेते हैं तो ए हमारा कहाँ वजाइना के लिए है बी सॉरी बी हमारा कहाँ वजाइना के लिए है बी वजाइना में यहाँ है यहाँ उल्टा लिखा हुआ है ए वजाइना बोल दिया इन्होंने आ, ये रॉन्ग हो गया यूरिथ्रा ए इज नॉट यूरिथ्रा नॉट एट ऑल चलो यहाँ पे वजाइनल और फाइस लिखा है बी सर्विक्स लिखे आगे देख लेते हैं फिर हमारा लिखा है यहाँ पे इन्होंने डी दैट इज यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लेडर ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर हो जाएगा डी वाला एक तरीके से ठीक है यानी कि आप बोलते हो जिसको हम्म थरा सी इज यूटरस यस सी इज यूटरस डी इज यूरिथ्रा यूरिन ब्लेडर हमारा ठीक e yes. e है ई इज क्लिटोरिस क्लिटोरिस एफ इज वॉट एफ कहा है एफ एफ हमारा वजाइनल ऑर्फिक्स हो सकता है एफ इज वजाइनल ऑर्फिक्स हो सकता है ठीक है

आपको फिलअप करने फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन डैश आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स दैट इज ओवरी दैट इज ओवरी तो टेस्टिस वालों को काटो देखते चलेंगे ठीक है दैट प्रोड्यूस डैश एंड डैश दैट प्रोड्यूस डैश एंड डैश उगोनिया एंड अवम उगोनिया एंड अवम एंड हॉर्मोन पता चल जाएगा आगे

सी आगे देखो इन द गिवन फिगर ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल ए बी सी एंड डी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी देख लेते हैं ये हमारी है यूट्रस वॉल डी हमारी है ओवरी सी हमारी है फेलोपियन ट्यूब बी हमारा है यूट्रस ठीक है ए बी सी डी से देख लेते हैं ए से ए से बी इज यूट्रीन कैविटी फनल ओके डी सी वन इज आर करेक्ट वन यहाँ पे सी वन इज आर करेक्ट वन आगे देखो द गिवन फिगर डिस्पाइट अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द्यूमन फीमेल सिस्टम विद ऑफ थ्री पार्ट ऑफ वन टू सिक्स करेक्टली आईडेंटिफाइड यहां पे हमको एक डायग्राम दिया गया है फीमेल फीमेल का और हमको बताना है कौन सा सही क्वालिफाई करता है एक में से छह में से पहला कह रहा है कि सेकंड इज एंडोमेट्रियम सेकंड इज एंडोमेट्रियम ओके थर्ड इज इनफंडेबुलम ओके दैट्स ट्रू फिफ्थ इज फिम्रिया दैट्स रोंग थर्ड इज इनफंडेबुलम नो ओके फोर्थ इज फिम्रिया फोर्थ इज फिम्रिया करेक्ट

आगे है कि a given shows which of the wall ABC, of हमारी कौन सी आपकी के टाइम पे चली जाती है सबसे अंदर है आपकी ए दैट इज एंडियम और यही हमारी जाती है बाकी नहीं जाती है लोअर नैरोस इज कोल्ड लोअर नैरोस इज कॉल्ड सर्विक्स दैट इज कोल्ड सर्विक्स राइट आगे है द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया इंक्लूड फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में ओवरी आता है नो मैमरी ग्लैंड यस कि पहले को छोड़ के बाकी की सभी सेकंड थर्ड फोर्थ क्लिटोरिस इंटरनल भी हो सकता है सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ नहीं होगा क्लिटोरिस अंदर इंटरनल होता है एक्सटर्नल इतना नहीं होता है इट्स डी डी आगे बार्थेलोन ग्लैंड आर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वजाइना इन ह्यूम करेक्ट फेलोपियन टूब नो एट्स करेक्ट राइट चलिए आगे चल लेते हैं अ सेक्शनल व्यू ऑफ मैमरी ग्लैंड शो अगर मैमरी ग्लैंड का हम क्या करें सेक्शन एक मिनट अगर हम एक मेमोरी ग्लैंड का क्या करें सेक्शनल व्यू करें तो हमको क्या क्या चीजें दिखेंगी पहला है निपल प्लस एरूला चलो ठीक है दिख जाएगा हमको सेक्शनल व्यू में दिख जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके मेमोरी लोब एल्वोलस एंड डक्ट ओके दिख जाएगा एंटीबॉडी नो एंटीबॉडीज नहीं दिखेगा नॉट एट ऑल एम्प्यूला नो नॉट एम्प्यूला अगर चलो ये भी दिख जाएगा हम मान लेते हैं कि ये भी आपका दिख जाए एंटीबॉडीज नहीं दिखेंगी बाकी पहला दूसरा और फोर्थ पहला दूसरा और फोर्थ यानी ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है भाई तो आज का हम सेशन ज्यादा नहीं खींचेंगे यहीं पे 26 क्वेश्चंस तक ही करेंगे और लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि यू आर हैविंग अ सेल एंड यू कैन एनरोल इनटू यूजिंग माय कॉर दैट इज वाई सिक्स नाइन सेवन एस और बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल कंटिन्यू इसी के साथ थैंक यू हैव नाइस स्टोर मिलते हैं कल ठीक पांच बजे